दोस्तों हमारे उत्तराखंड में उत्तरायणी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि आज था। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, मैंने जब भी सोशल प्लेटफॉर्म पे कदम रखा तो मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं किसी एक गंदगी को एक दिन रोकने का एक लक्ष्य बना लूँ, तो मैं उसमें हमेशा कामयाब होती हूँ। ऐसी एक आज कहानी मैं आपको बताती जो कि रियलिटी है। उत्तरायणी का पर्व है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंडी लोग भी ऐसे साफ दिल के होते हैं, उनके दिल में ऐसा मैल नहीं होता है कि किसी के लिए पक्ष विपक्ष रखे। लेकिन जहाँ पे बात सही और गलत की होती है, मैं इंसान को देखकर उसको जज करती हूँ, ना कि इमोशनल होके। बात है, आज उत्तरायणी का पर्व था हमारा, जैसा कि आवास पुलिस क्वार्टर, यहाँ पे दो महिलाएं आई, कंधे में झोला था, थैला था, कपड़ों का कई चीज़ें थी, और हाथ में उनके बोरे कट्टे थे, और अच्छी खासी थी, हेल्दी थी, लगता नहीं था किसी एंगल से कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो महिला आती, मैं ऊपर अपने हमारा डबल स्टोरी में है, दो मंजिल में हमारा क्वार्टर, तो जब मैंने झांक के नीचे देखा तो वहाँ से वो महिला मांगने लगी मुझसे कि उत्तरायणी का नेक दो, आटा दो, चावल दो, ये दो, वो दो, तमाम चीज़ें। दोस्तों जहाँ पे ये मांगने वाली चीज़ें आती, इंसान की परिस्थितियों को ज़रूर देख लेना चाहिए। ये मेरे समाज के लिए एक संदेश भी है, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है, क्योंकि मैं जानती हूँ हमारी पब्लिक बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव है, समझदार है, वो जानती समझती इन चीज़ों को। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है, हमारे इमोशनल, हम इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि दूसरे को देख के या हमारे अंदर इतनी खुशियाँ होती तीज त्योहारों में कि हम कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं कि हम अपना अच्छा बुरा नहीं, हमें अच्छा लगता है दूसरे को सपोर्ट करते हो तो उन्हें वो चीज़ें दे देते हैं। जैसे कि दो महिलाओं ने मुझसे ज़बरदस्ती करी, आटा दो, चावल दो, तेल दो, दाल दो। जैसे उत्तरायणी का पर्व है, आपको पता है उत्तरायणी से हमारा खिचड़ी का त्यौहार चलता है। महीने भर तक ब्राह्मणों को, कन्याओं को, या किसी गरीब को भी आप खिचड़ी दान कर सकते हो, गाय को भी दे सकते हो। तो महिलाएं आई, देखने में अच्छी खासी थी, उन्होंने मुझसे बोला आप दो, तो मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। और मैंने आपको पहले भी, मैंने पिछले चैनल में देखा, भीख मांगने की प्रथा को मैंने कई बार रोका है, एक बार नहीं, कई बार मैंने रोका है, और बीच सड़क में रोका है, भरी बस में रोका है, और चलते फिरते कहीं पे भी मुझे ये चीज़ें दिखती, मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ ज़रूर। तो महिला ने मुझसे मांगा, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा तुम अच्छी खासी हो, मांग क्यों रही हो। बोली आप कह रही हो हमें तो सभी देते। मैंने कहा हम तो नहीं देते, ना ही हमारे क्वार्टर में कोई देंगे। बोलिए नहीं, आपके बच्चे जिए, आपके बच्चे हजारों साल जिए, आपका बेटा जीते रहे। मतलब ये एक मांगने की ऐसी प्रक्रिया है, लोगों को इस तरीके से वो इमोशनल कर देते हैं कि आपका अच्छा हो जाए, आपका। देखिए जब हम अपनी कमाई का एक हिस्सा उन्हें दे रहे हैं तो अच्छा तो हमारा ऑलरेडी वैसे ही हो रहा है, लेकिन हमारा दुआएं बददुआएं इंसान के ऊपर। मैंने उनसे बोला आपके हाथ पैर है, कमाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो, किसी भी तरीके से कमाओ। आजकल काम की कमी नहीं है, कमाने की कमी नहीं है, लेकिन भीख मांगना कहाँ का हो है। हम तो चाहते हैं हमारा देश सुरक्षित रहे, साफ सुथरा बने, स्वच्छता अभियान हमने चला रखा, कचरा घर घर आता है साफ करने। लेकिन आप घर घर जाके मांगने की प्रथा को, भीख मांगने की प्रथा सबसे गलत है, क्योंकि आज हमारी पब्लिक दे रही, कल नहीं देंगे। यही लोग चोरी चकारी करने अंदर आते, पता नहीं किस मुद्दे से अंदर आ रहे हैं, इनके अंदर पता नहीं होता है। अगर इंसान का हाथ पैर है, मुझे नहीं लगता उसे भीख मांगने की ज़रूरत है, वो अपने मेहनत से अपने बलबूते पे कमा सकता है, अपना पेट भर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप भीख मांग कर ही करो। बहुत देर तक बहस हुई, जिद हुई, मेरे से बोली आप बड़ी अजीब औरत हो, और मतलब आज तक ऐसा हुआ नहीं। मैंने कहा मैं अजीब औरत हूँ, और मैं तो ऐसों को तो मैं भरे बाजार में पीटती हूँ। मतलब इतना सुनना था, औरत ने बुरा सा मुंह बनाया दूसरे क्वार्टर के। मैंने कहा इस क्वार्टर में आप नहीं जाओगे, तो तुरंत मैंने उसे रोका। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैं ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ, तो अंदर से मेरी अंतरात्मा मुझे आवाज़ देती कि नहीं, ये चीज़ गलत है, इसे रोक दो, तो मेरा मन नहीं करता फिर मैं उस चीज़ को बढ़ावा करूँ। और कई सालों से, मैंने आपको एक वीडियो में बताया, कई सालों से अनाथाश्रम के नाम से आता था लड़का, देते भी थे लोग, लेकिन उसे मैंने रोका, तब से आया नहीं हो, दो तीन महीने हो गए। तो भाई जब आपके हाथ पैर हैं तो आप काम धंधा करो, कमाओ। भगवान ने दिमाग दिया है, कमाई के जरिए दिए हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ नहीं तो अपनी चाय का स्टॉल खोल रहे हैं, MBA चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, आपने देखा होगा। काम करने में कोई शर्म नहीं है, आप ऐसे काम करने में शर्म करते हो, लेकिन एक घंटे में भीख मांग के 1000 रुपये कमा लेते हो। पब्लिक कितनों की मेहनत की कमाई आप ले जाते हो, 10-10, 5-5 रुपये करके भी ले जाते हो, लेकिन आपको अपने दिमाग पर, अपने हाथ पर, अपने शरीर पर विश्वास नहीं होता। सबसे ज़रूरी अपने मन और तन दोनों का इस्तेमाल करो,
और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और ऐसी चीज़ों को कभी भी ना तो बढ़ावा दो ना ऐसे लोगों को बख्शो कभी भी। क्योंकि मैंने अधिकतर साधु बाबा आते हैं और कंधे में झोला लटका है, चंदन टीका लगा, मैं कभी नहीं देती उन्हें, कभी मैं भीख के नाम पर देती हूँ। वो भी एक भीख मांगना होता है, आप धर्म के नाम पे भीख मांग रहे हो, आप डरा रहे हो लोगों को, इमोशनली उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो, उनकी भावनाओं से खेल रहे हो। क्योंकि ऑलरेडी मैं माता रानी की भक्त हूँ, माता का दरबार लगता है, साक्षात काली का अवतार हूँ, तो मैं जानती हूँ देवी देवता होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नास्तिक तो नहीं हूँ, मैं जानती हूँ अंतरात्मा से भगवान होता है, हर जगह है। लेकिन तुम चंदन टीका, माता जब मुझ पर आती तो एक ऐसी कृपा है, जब कोई आता है दुखियारी, जब उसे आना होता है, उसे लगता है, तो बिना समय के बिना बुलावे के वो आ जाती है। लेकिन कभी ऐसा होता है दरबार पे कई लोग पहुँचते भी हैं तो माता के दर्शन नहीं कर पाते। भगवान का एक ऐसा रूप है, देखिए ये आप भगवान के नाम पे धंधा नहीं कर सकते। इसी वजह से मैंने माता की चौकी लगाने बंद कर दी थी। भगवान के चंदन टीका लगा के जा रहे हो, आप मांग रहे हो भीख, वो भी एक भीख मांगना है। भगवान थोड़ी ना कहता आप मेरे नाम से भीख मांगो। लोग मंदिरों में 1000 रुपये दान करते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, कोई नहीं उनकी इच्छा है, जो बड़े बड़े मंदिरों में दान करते हैं। मुझे लगता है जैसे आप 1000 रुपये दान करते हो, उससे अच्छा आप 1000 गरीबों का पेट भर दो, 1000 गरीबों को जिनके हाथ पैर हैं उनके लिए नहीं बोलती, जो असहाय है उनके लिए करो, जो बच्चे हैं वो एजुकेशन के बिना रह जाते, उन्हें शिक्षा का स्तर बढ़ाओ। वो पैसा आपका भगवान तो देता है कर्म करने के लिए, उसका इस्तेमाल तो हमें ही करना है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करें। मैं कभी भी मंदिरों में जाती हूँ तो मैं ऐसा चढ़ावा नहीं चढ़ाती हूँ। आप कहेंगे कि मैडम ऐसा कह रही, बात यह नहीं है कि हम पैसा भगवान के लिए कंजूसी कर रहे हैं, भगवान थोड़ी ना आ रहा है उस पैसे का यूज करने, वही इंसान। आप देखिए हम शनि मंदिरों में तेल चढ़ाते, उड़द चलाते चावल, वही उड़द चावल दुकानों में बिकता है, वो लोग बेच देते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं लालच को उपज देता है। तन मन दोनों साफ सुथरे होने चाहिए, भगवान खुद रक्षा करता है। हम मेहनत की कमाई कमाते हैं, पंडितों को दान कर देते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, अच्छी बात है ब्राह्मणों को, क्योंकि जो तहे दिल से करता है, लेकिन सोच समझ के कीजिए कि वो उसका पात्र है भी या नहीं। जिसे ज़रूरत है उसको ज़रूर दीजिए। रेलवे पटरी पे मैं जाती हूँ, वहाँ पे जितने कपड़े होते देखती हूँ, नंगे धड़ंगे बच्चे बिना कपड़ों के घूमते होते हैं, तो बड़ा दिल दुखी होता है। उन्हें ज़रूरत, वास्तविकता उनको ज़रूरत है तो वो चीज़ें हम देते हैं, जिन्हें खाने की ज़रूरत है खाना देते हैं, लेकिन जो झोला लेके घर मांगने आते उन्हें देने की दिल से इच्छा नहीं करती है तो उसे हम नहीं करते। तो दोस्तों अगर आपको लगता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, इसी वजह से मैं आ पाती हूँ सोशल प्लेटफॉर्म पे, बातें रख पाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे आके मोटिवेट करते हो, मेरी चैनल को आपने बहुत प्यार किया है। अपने समाज के हित के लिए मैं आई हूँ कि समाज में अपनी बातें रख सकूँ। अगर आपको लगता है मेरी बातों में कोई कमी है या कोई ऐसी चीज़ है तो अपने जरूर रखें, जिसे पसंद आए तो लाइक करें, जिसे पसंद ना आए वो डिसलाइक भी कर सकता है। आपकी बातें सर आँखों पे हैं क्योंकि आप ही लेके आए हो मुझे सोशल मीडिया पे, तो मैं चाहती हूँ आपकी बातें सर्व आगे हो, सबसे आगे, और आपकी बातों के मद्देनजर ही मैं आगे बढ़ूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, समाज के हित में कदम बढ़ाएं, मेरे समाज को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।